प्रेरणा कथा, गलत इंसान से प्यार। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार तो किसी गलत इंसान से प्रेम करना ही चाहिए। कितनी अजीब बात है कि लोग अपने अतीत या दिल टूट जाने के बाद दूर भागने लगते हैं, लेकिन उससे इंसान शक्तिशाली ही होता है। आप आंसू बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, अपना खून जलाते हैं और ऐसे इंसान की कामना करते हैं जो आपको प्रेम करे। आप टूटे हुए संबंधों को जोड़ने का अथक प्रयास करते हैं, पर शायद हमेशा आप उन संबंधों को फिर से जोड़ना नहीं चाहते हैं। कभी कभी अतीत को भूलकर आगे भी बढ़ जाना चाहिए और फिर से शुरुआत करनी चाहिए और खुद को सकारात्मक से घेर के एक अपनी दुनिया बनानी चाहिए। एक बार मुझे भी एक गलत आदमी से प्रेम हो गया था। पहले हम दोस्त थे, पर धीरे धीरे वो दोस्ती संबंध में बदल गई। हमारे बीच में कुछ मतभेद थे, परंतु हम सोचते थे कि समय के साथ साथ वो मतभेद मिट जाएंगे, लेकिन हम गलत थे कि वो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। एक वर्ष के बाद ही हमारे बीच में झगड़े होने लगे और बहुत सी गलत फहमियां उत्पन्न हो गई, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम के भाव रखते थे। हमारे विरोधाभासी स्वभाव के कारण हमारे मतभेद बढ़ने लगे और ज्यादा झगड़े होने लगे। सबसे बुरी बात थी कि विश्वास टूटने लगा था, लेकिन हमने फिर से अपने संबंधों को ठीक करने के प्रयास करने की कोशिश की। हालांकि हम जानते थे कि हम ज्यादा समय तक साथ नहीं चल पाएंगे, पर वहीं बस वहीं हमारे संबंध के अंत की शुरुआत हो गई, या फिर यूं कहे कि मैंने ही संबंध तोड़ दिया। वो भी बहुत ही जल्दी हार मान गया था, वो मुझे दुविधा में छोड़ गया। उस कठिनाई के दौर में मैंने ये सीखा कि मैं खुद को बहादुर और शक्तिशाली कैसे बना सकती थी। मैं सीखने लगी कि मुझे वो सब कुछ कैसे प्राप्त करना था जिसके मैं योग्य थी। उसको मुझे छोड़कर जाते हुए देखना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं चाहती थी कि वो वापिस आ जाए, मैं उसको फिर से एक मौका देना चाहती थी, मैं उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अंत में फिर क्या होने वाला था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी और मुझे अपने अंदर एक खालीपन महसूस होने लगा था। मैं अपने आप से ही संघर्ष करने लगी थी, मैं खुद को ही दोषी मानती थी जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैं अपनी प्रेम करने की योग्यता पर शंका करने लगी, विश्वास शब्द पर से मेरा यकीन उठ चुका था। एक बात स्पष्ट कर दूं कि संबंध दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो संबंध सिर्फ एक प्रेमी या प्रेमिका के बीच में ही हो। संबंध एक साधारण सा शब्द है जो लोगों को जोड़ता है और एक बंधन तैयार कर देता है। जब आपका किसी से संबंध हो जाता है तो आप प्रेम पाने की आशा करने लगते हैं, और जो कुछ आप उस व्यक्ति को देते हैं उसके बदले में पाने की आशा करते हैं। मैंने गलती ये की थी कि मैंने प्रेम और संबंध को एक ही मान लिया था। मेरे अतीत में कुछ कठिन समय आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी समय थे जिनके बारे में आज भी अगर सोचती हूँ तो मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आपका अतीत कितना भी बुरा रहो, आप फिर भी उसमें से खुद कुछ सुखद यादें तो खोज ही सकते हैं अगर आप चाहें तो। जीवन अफसोस करने या फिर दुखद अतीत के सहारे जीने के लिए बहुत छोटा है, और ना ही इस जीवन में किसी से घृणा करने का समय है। गलत लोग तो जीवन में आते ही हैं, लेकिन उनके साथ भी संबंध रखते समय आप बहुत कुछ सीखते हैं जो आप अच्छे लोगों से नहीं सीख सकते हैं। आप ये जान जाते हैं कि वो व्यक्ति इतना बुरा क्यों हुआ और बुराई करना छोड़ता क्यों नहीं है। सिर्फ अच्छी बातें ही काफी नहीं होती है, बुरी बातों से भी हम सीखकर अच्छे को और भी अच्छा बना सकते हैं। मैंने तो बस एक ही बात सीखी है अपने बुरे संबंध से कि मुझे टूटे हुए टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, मुझे संपूर्ण पर जोर देना है और जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना है।
अतीत की गठरी उठाए रखना हमको आगे जाने से रोकता है, वर्तमान और भविष्य को अच्छे की तरफ ले जाने से हम बुरे अतीत की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। आने वाले कुछ वर्षों के बाद जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, आप देखेंगे कि आपको गर्व होगा कि आप बुरे अतीत से निकलकर एक नया इंसान हो गए हैं। अगर दिल टूट जाए तो घबराइए मत, बल्कि ये ध्यान रखिए कि आप अतीत में ही डूब करना रह जाए, अपने आप को सीमित करना छोड़ दीजिए। इस भय से कि से भी खुद को बाहर निकालिए कि दुनिया में सब इंसान एक से ही होते हैं और कोई फिर से आपका दिल तोड़ देगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे इंसान हैं, बुरे तो लाखों में से दो चार ही होते हैं। अपने आसपास देखिए जरा। मैं जानती हूं कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है, लेकिन एक एक कदम सकारात्मक की तरफ बढ़ाइए और खुद को उस टूटे हुए अतीत से दूर ले जाइए, क्योंकि आगे जाकर आपको आभास होगा कि दुख और टूटे हुए अतीत ने आपको बहुत सहयोग दिया है और एक नया शक्तिशाली इंसान बना दिया है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खामियां या कमजोरियां होती हैं, और अगर आप इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे तो फिर तो आपको संपूर्ण इंसान मिलेगा ही नहीं इस दुनिया में। चतुराई इसमें है कि या तो छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको स्वीकार लीजिए, या फिर उसको त्याग कर आगे बढ़ जाइए और किसी और की तलाश कीजिए। पर ध्यान रहे कि अगर आप इसी तरह छोड़ते और चुनते ही रहेंगे तो जीवन कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।